फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में तो बात करूँ ना, यहाँ पे जो लॉक स्क्रीन वॉलपेपर होता है ऑटोमेटिकली जो चेंज होता रहता है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है। तो इसको अगर आप चाहते हैं लगाना तो लगाना भी बताऊँगा, अगर आप चाहते हैं हटाना तो मैं हटाना भी बताऊँगा, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, साथ में घंटे का ऑप्शन आए तो उसे भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का अपडेट मिलता रहे। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे मेरा वॉलपेपर अभी ऑटोमेटिकली चेंज नहीं हो रहा था, ठीक है, आपके सामने क्लिक किया। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ और अपना खुद का वॉलपेपर भी लॉक स्क्रीन पे लगा सकते हैं, ठीक है, ये आपको बोनस में बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको जाना होगा, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलता है, तो होम स्क्रीन या फिर लॉक स्क्रीन पर क्लिक करें। लॉक स्क्रीन पे जाने के बाद यहाँ पे गैलेंस फॉर MI पे क्लिक करें। MI पे क्लिक करते ही ये वाले ऑप्शंस को ऑन कर देना है। ऑन करते ही आपको कैटेगरी पे जाना है, यहाँ पे कैटेगरी जो भी आपका चाहिए वो वहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे गैलरी पे जाएंगे तो आपका जो भी फ़ोटोज़ वगैरह दिखेगा वो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं, इस पर माइनस पर क्लिक करके हटा सकते हैं। एक मैंने आपके सामने सेट कर लिया है और उसके बाद मैं बैक कर लेता हूँ। आप चार टोटल फ़ोटोज़ लगा सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे फाइनेंस वाले ऑप्शंस पे दिख देगा तो यहाँ पे 4 फ़ोटोज़ लगा सकते हैं, 2 फ़ोटोज़ लगा सकते हैं, यहाँ पे दिखा रहा है, बट इसको कुछ नहीं छेड़ना है, ठीक है। यहाँ पे आप 4 फ़ोटो कर दीजिएगा ताकि यहाँ पे 4 फ़ोटो आप ले सकें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एडवांस पे जाएंगे तो और भी ऑप्शन दिखता है, तो इन सबको कुछ नहीं करना है क्योंकि ये अपडेट का ऑप्शन होता है। यहाँ पे इसको ऑन करके रख दें और आपका वॉलपेपर चेंज होना शुरू हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये चेंज हो रहा है अपने आप ही वॉलपेपर, और ये वो वॉलपेपर है जो कि मैंने आपके सामने स्केच वाला मैंने उठाया था, ठीक है। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इसको ऑफ़ कैसे करते हैं। इसके लिए आपको सेटिंग में जाना होगा, लॉक स्क्रीन पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको ऐसा ऑप्शन आएगा, तो इस पर क्लिक कर दें। उसके बाद पॉज श्योर एक बार और, तो इस पर क्लिक करने के बाद, बैक करने के बाद आप दिखाता हूँ आपको। आप देख सकते हैं यहाँ पे चेंज होना बंद हो गया लॉक स्क्रीन वॉलपेपर। तो गाइस, कैसा लगा वीडियो, प्लीज़ कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।